आज हम क्रिएट करने वाले हैं मूवी टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और ये ट्यूटोरियल टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। इंटरमीडिएट और बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। पहले पार्ट के अंदर हम हमारा टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन जनरेट करेंगे, सेकेंड पार्ट के अंदर हम हमारा मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट जनरेट करेंगे उसी टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन का जो हमने क्रिएट किया है, फिर उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे प्रीमियर के अंदर, और विद सम परमिशंस के हम उसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं प्रीमियर के अंदर, और उसे अप्लाई कर सकते हैं अपने सिनेमेटिक फुटेजेस के ऊपर, या अपने व्लॉग फुटेज आप यूज कर लो, डॉक्यूमेंट्री फुटेज यूज कर लो, पर्सनल वीडियो के लिए यूज कर लो, ड्रॉन फुटेजेस के लिए यूज कर लो। ये बहुत ही मल्टीटास्किंग सिनेमेटिक टाइटल सिक्वेंस बनने वाला है, मूवी टाइटल सिक्वेंस बनने वाला है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं मेरा टेक्स्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ, लेट्स यूज द वर्ड, ओके आई एम गोइंग टू यूज, लेट्स गिव द न्यू वर्ड, ओके कैप्शन फ्रीलांसर। तो अब ये यहाँ पे आ चुका है गाइस। अब उसके बाद मुझे मेरा दूसरा वर्ड चाहिए, ये यहाँ पे कुछ इस हिसाब से मेरा टाइटल रेडी हो चुका है गाइस। थोड़ा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, और नीचे की तरफ ले लेते हैं इसको। यस, तो ये हमें बिल्कुल सही लग रहा है अभी यहाँ तक का। अब हमें हमारा टाइटल सीक्वेंस का एनिमेशन जनरेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो मेरा द फ्रीलांसर वाला टेक्स्ट लेयर है उसका एनिमेशन हम जनरेट करते हैं हमारे टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन के लिए। लेयर को ओपन करते हैं, यहाँ पे एनिमेट में चलते हैं गाइस, और मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ स्केल प्रॉपर्टी। यस, तो हमने स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे चूज कर लिया है। अब एनिमेटर को सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, तो यह है मेरा स्केल एनिमेटर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा स्केल प्रॉपर्टी है उसमें एक्स और वाई का जो लिंक है उसको पहले हम हटा देते हैं यहाँ से। अब एक्स एक्सिस के अंदर इसका वैल्यू मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे 0 कर देना है, ठीक है। अब एनिमेशन के लिए जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे स्केल एनिमेटर के अंदर, वो है हमारा स्टार्ट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर क्या करेंगे, हम स्टार्ट को यहाँ पे की दे देते हैं, और उसके बाद चलते हैं हम ऑलमोस्ट 3 सेकंड के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, 100 अप्लाई कर दूंगा। तो ये एक अमेजिंग सा 3D रोटेटेड अल्फाबेट वाई टेक्स्ट हमारा या वर्ड हमारा रिवील होगा इन 3D रोटेशन। इल्यूजन हमने क्रिएट किया है, हमने प्रॉपर्टी क्या यूज किया है स्केल का, बट यहाँ पे इल्यूजन क्या हो रहा है कि 3D में रोटेट होते हुए हमारे टेक्स्ट यहाँ पे रिवील हो रहे हैं, हमारा टाइटल यहाँ पे रिवील हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर सबसे पहले, और यहाँ पे मैं इसका ग्राफ पहले एडिट कर लेता हूँ कुछ ऑलमोस्ट। हम इस हिसाब से इसका ग्राफ क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट कर देते हैं गाइस। ओके, तो क्या होगा, एकदम स्पीड में ये स्टार्ट होगा, और वेरी स्मूथली वो क्या होगा, अपनी जगह पे स्टेडी होगा, ठीक है ना। मतलब पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा रिवील होगा, हमारा टाइटल सीक्वेंस रिवील होगा मेन टाइटल का। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इतना हो जाने के बाद मुझे आगे जाते हुए जैसे ये रिवील हो जाता है गाइस, ठीक है ना, तो इसका स्केल भी जनरेट करना है। बट इसके साथ साथ अभी मुझे क्या करना है कि भाई मेरा जो कहते हैं ना कि द प्रोटेक्टर वाला वर्ड है उसको भी मुझे क्या करना है, रिवील करना है। तो एग्जैक्टली यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, और इसका क्या करेंगे, ऑपेसिटी वाला यहाँ पे ओपन करेंगे जो हमारा सब टाइटल है, वापस चले जाते हैं हम 3 सेकंड के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसका ओपेसिटी प्रॉपर्टी को की दे देंगे, चले आते हैं इस वाले फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे, द प्रोटेक्टर वाला जो टेक्स्ट लेयर है हमारा उसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, ओपेसिटी का वैल्यू 0 कर देंगे, तो वो हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं गाइस। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है वैसे वैसे क्या होता हुआ जाएगा, ये रिवील होते हुए जाएगा, और ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेडी होगा। तो बस एग्जैक्टली हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। आगे जाके चाहिए तो आप ग्राफ एड में चेंज कर सकते हो, बट मैं अभी इसे एज इट इज रख रहा हूँ। तो हमारा मेन एनिमेशन टाइटल सिक्वेंस के लिए हो चुका है। अब उसके आगे बढ़ना है कि भाई इसके बाद क्या होना है, ठीक है ना। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, मेरे इस फ्रीलांसर वाले मेन टाइटल को क्या करना है, थोड़ा और हाइलाइटेड करना है, थोड़ा एक डेप्थ देना है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्टेड रखता हूँ, और मेरा राउंडेड रेक्टेंगल शेप टूल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और एक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मास्क ड्रॉ करने वाला हूँ अभी यहाँ से। सो जैसे आप करते हो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है, एग्जैक्टली आपका जो वर्ड है वो यहाँ पे विजिबिलिटी में होना चाहिए। ओके, तो अब ये विजिबल मीटर है, तो अब क्या करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करते हैं, 2 बार MM प्रेस करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, मास्क का सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फेदर अप्लाई कर रहा हूँ कुछ 18 के आसपास, तो आप देखोगे कुछ इस हिसाब से मेरा फॉन्ट रिवील हो रहा है, बट मुझे इतना ज्यादा वो नहीं चाहिए। तो मास्क पाथ को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम लोग,
थोड़ा मैं क्या करता हूँ इसको बैटरली ओके यहां से हम इसको जूम पे करते हैं 50%, थोड़ा कम हो जाएगा। लेट्स मेक इट लिटिल बिट मोर हायर, हल्का सा थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है डन है। और यहाँ पे थोड़ा इसको ताकि आपको समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब मूव टूल सिलेक्ट करते हैं गाइस, हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को, इन चार पॉइंट को जो बेस में उसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं। मुझे बहुत रेयर सा इफेक्ट चाहिए, इतना ज्यादा इफेक्ट मुझे इसके ऊपर नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको लेते हुए जाएंगे। तो हाँ भाई अभी थोड़ा बैटर यहाँ पे नीचे की तरफ हो रहा है, सेम चीज मुझे क्या करना है ऊपर वाले फोर जो वर्टेक्स है मास्क के उसको भी सिलेक्ट करना है, और इसको भी थोड़ा मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे एक अभी अच्छा खासा इफेक्ट जनरेट हो रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। चारों तरफ अगर मैं यहाँ पे इसको हाइड करके दिखाऊं मास्क को, आप बराबर क्या आप मास्क को डिसेबल कर दो या फेदर को हटा दो, तो यहाँ पे अगर मैं फेदर जीरो कर देता हूँ तो आप देखोगे कुछ इस हिसाब से रेडी क्लीन दिख रहा है मेरा फॉन्ट, बट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ 18 के साथ, तो ये मेरा टाइटल के अंदर एक अच्छा खासा आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल से एक डेप्थ जनरेट करता हुआ दिख रहा है। तो ये भी हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मुझे एक और एनिमेशन इसके अंदर ऐड करना है कि भाई ये स्क्रीन के अंदर आएगा, फिर रिवील तो होगा ही होगा बट विद पोजीशन, लेफ्ट टू राइट एक पोजीशन के साथ ये रिवील होगा। उसके बाद क्या होगा जैसे ये पूरा रिवील हो जाता है, फिर वो जैसे कैमरा की तरफ आगे बढ़ता है, मतलब क्या होता है जूम इन होता है, वैसा कुछ एनिमेशन जनरेट करना है। तो उसके लिए हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द नल। तो यहाँ पे रेयर पैनल में राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और हम क्या करते हैं नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब क्या करेंगे इन दोनों लेयर को सबसे पहले तो हमारे कंट्रोलर मतलब नल के साथ पेरेंट कर देते हैं, और हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे लेयर का स्केल, स्पेलिंग गाइस आप देख लेना कभी कभी टाइप करना गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया स्केल कंट्रोलर, नल को हाइड कर देते हैं, दिखता नहीं है नल बट दिखता बहुत है, काम बहुत आता है गाइस। तो अब यहाँ पे क्या करना है जैसे ये रिवील होता है ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे देखना है कि कहाँ से, तो मैं सबसे पहला काम तो ये करता हूँ इसका रिजोल्यूशन थोड़ा लो रखता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया तो भाई कहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से ये रिवील हो जाता है पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे, तो हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं यहाँ पे, और मैं क्या करने वाला पहले तो पोजिशन एनिमेट करना है नल से। तो यहाँ पे मैंने की दे देना है पोजीशन का, ऑलमोस्ट 3 सेकंड के ऊपर उसका एनिमेशन यहाँ पे खत्म होता है, तो वापस यहाँ पे भी क्या देते की दे देते हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उसको क्या करूंगा मैं मूव करूंगा कुछ इस हिसाब से नल को, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि भाई कैसे जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा इस हिसाब से मूव कर रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है ये इस तरफ आते हुए दिखेगा, तो दैट इज गुड इनफ। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देते हैं, तो ये मेरा अच्छा खासा क्या होगा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट होते हुए जाएगा, और ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आके स्टेडी होगा। सो ये एनिमेशन हमारा हो चुका है यहाँ पे, चाहिए तो थोड़ा हम क्या कर लेते हैं इसको और थोड़ा लेफ्ट की तरफ ले लेते हैं, तो दैट इज गुड इनफ। ओके तो ये बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है और बैटर लग भी रहा है, गुड इनफ। अब उसके बाद यहां से क्या करना है कि जैसे ये पूरा का पूरा कवर अप हो जाता है तो ये क्या होगा स्केल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे थोड़ा यहाँ से शिफ्ट पेज अप पे आता हूं मैं, और आई थिंक वी हैव टू मेक इट लिटिल बिट स्टेडी। तो मैं 1 2 3 4 5 6 ओके लेट्स डू जंप फॉर द 10 फ्रेम, तो मैं यहाँ से 10 फ्रेम आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे नल का हम स्केल प्रॉपर्टी ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको की दे देंगे, और ऑलमोस्ट यहाँ से चलते हैं हम 6 सेकंड के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे इसका स्केल थोड़ा इंक्रीज करते हुए जाएंगे कुछ इस हिसाब से। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। अब स्केल को मुझे एज इट इज रखना है, मैं लीनियर की में ही रखना है, मैं इसका ग्राफ में एडिट नहीं कर रहा हूँ गाइस। ये होने के बाद मुझे क्या करना है ये हाइट भी होना चाहिए ना, स्केल होते होते क्या होना चाहिए हाइट भी होना चाहिए। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ ऑलमोस्ट पेज अप 20 फ्रेम्स आगे आता हूँ, और मैं इन दोनों लेयर का यहाँ पे क्या करेंगे सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट टी प्रेस करते ताकि इनकी ऑपेसिटी का प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो जाए। तो यहाँ पे तो ऑपेसिटी 100% इसका सेम एज इट इज अप्लाई करना है। आई थिंक आई एम गोइंग विद दिस, मैं इसका क्या करता हूँ नॉर्मल लिनियर की के साथ ही जाता हूँ, और इसको भी यहाँ पे हम की दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा और यहाँ से 10 फ्रेम आगे चलते हैं, और दोनों लेयर को सिलेक्ट करके उनका ऑपेसिटी वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब एनिमेशन ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से जाता हुआ दिखेगा एंड देन इज गोइंग टू बी हाइडेड, ठीक है। तो हमारे मूवी टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन जो है वो रेडी हो चुका है गाइस, हमारा पहला पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, आप देख रहे हो। बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि अभी हम मेन पार्ट पे जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए। हम क्रिएट करने वाले हैं हमारा मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट इस चैनल के ऊपर पहली बार, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा गाइस।
बने रहिएगा। सो गाइस, अब क्रिएट करते हैं हमारा मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट। सबसे पहले इसके लिए हमें एक पैनल की जरूरत पड़ेगी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स। वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे विंडोज में चले जाओ और आपको ये पैनल यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स मिल जाएगा। आपको खाली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पैनल ओपन हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाता हूँ इसके साथ। तो ये पैनल मेरा इसके साथ यहाँ पे आ चुका है। लेट्स मेक इट समथिंग लाइक ओके, आई कैन पुट इट ओवर हियर, डन। अब चलते हैं वापस एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको ऑप्शन पूछे जाते हैं, कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल है, वो भी अनेबल हो जाएंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कौन से कंपोजिशन से आप अपना मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो। तो अगर आपके मल्टीपल कंपोजिशन है तो उसमें आपको स्पेसिफिक कंपोजिशन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। हमारे पास अभी एक ही कंपोजिशन है, जो है हमारा टाइटल सीक्वेंस कंपोजिशन। तो यहाँ पे मैं उसको चूज करता हूँ, टाइटल सीक्वेंस। जैसे ही आप इसको चूज करते हो, आप देखो सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट अनेबल यहाँ पे हो चुके हैं। अब पहला काम क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे अपना टाइटल दे दोगे कि क्या करना है। इसी नाम से ये क्या होगा, आपका मोग्रेट फाइल है, या फिर आप कह सकते हो कि मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट है, वो एक्सपोर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसको नाम मूवी टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन, मूवी टाइटल, या फिर हम कह देते हैं यस टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन, दे देते हैं इसको नाम टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन। तो ये हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया है। अब क्या करना है कि आपको जो भी चीजें परमिट करनी है प्रीमियर में यूज करने वाले किसी आपके को आर्टिस्ट को या फिर आपके किसी क्लाइंट के लिए, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या क्या परमिशन देनी है उनको, कि वो खुद से चेंज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के क्लाइंट कितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपको देना चाहता है, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप कॉस्ट डिफाइन करते हो। बट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा मैक्सिमम जो चीजें हम डाल सकते हैं। तो पहला काम मुझे क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहता है एड फॉर्मेटिंग। हमें यहाँ पे दो डिफरेंट टेक्स्ट लेयर के लिए वैल्यूज देनी है, तो मैं उसको क्या करूंगा, दो ग्रुप में डिवाइड करता हूं। तो पहले एड फॉर्मेटिंग में जाओगे, आपके पास पहला आता है एड ग्रुप, यहाँ पे मैं नाम देता हूं उसको मेन टाइटल। तो हमारा मेन टाइटल क्या है, फ्रीलांसर वाला लेयर। अब ये ग्रुप बन चुका है, यहां से आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा फ्रीलांसर वाला लेयर टेक्स्ट लेयर है, उसका सबसे मेन प्रॉपर्टी जो रहेगा वो है मेरा सोर्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी। सोर्स टेक्स्ट मुझे क्या हेल्प करेगा, मैं यहाँ पे फॉन्ट रिप्लेस कर सकता हूँ, फॉन्ट स्टाइल, मतलब फॉन्ट स्टाइल में रिप्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं भाई, उसका साइज, मतलब जो आप यहां से चेंज करते हो, स्केल नहीं साइज, तो ये साइज का ऑप्शन भी आपको यहां से मिलेगा। तीसरा ऑप्शन ये वाला ऑप्शन जो फॉक्स स्टाइल कहते हैं हम लोग, बोल्ड करना, इटलेट करना, ये सारे ऑप्शन आप यहां से उसको परमिट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, सोर्स टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मेन टाइटल वाले ग्रुप में लाके क्या करना है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे आ गया, बट कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, खाली और खाली। आप क्या कर सकते हो, अपना वर्ड चेंज कर सकते हो। बट बाजू में आपको दिख रहा है एडिट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अनचेक के साथ ओपन होते हैं। पहला है आपको फॉन्ट सिलेक्शन, मतलब आप फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जो हमने यहाँ पे यूज किया था फ्यूचरा था, आपको इम्पैक्ट यूज करना है, एरियल यूज करना है, रोबोट यूज, मतलब एनी काइंड ऑफ फॉन्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हो अपने टाइटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मूवी टाइटल सपोज आपका हॉरर है, या फिर व्लॉग के लिए काम कर रहे हो जो फन से रिलेटेड है, तो वैसे कोई फॉन्ट आपको यूज करना है, या रेसिपी से रिलेटेड है तो वैसे कोई फॉन्ट यूज करना है, हॉरर मूवी से रिलेटेड यूज करें तो हॉरर काइंड ऑफ फॉन्ट आपको यूज करें, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दूसरा है फॉन्ट साइज है, जिसमें जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हो, इसको भी हम अनेबल कर देंगे। लास्ट में फॉक्स टाइल, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आप बोल्ड करना चाहते हो, इटलिक करना चाहते हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इसको भी चेक मार्क दे देना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके कर देना है। तो देखो यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या हुई, अभी अवेलेबल हो चुकी है। अब एक और चीज ऐसा भी हो सकता है कि आपको फॉन्ट के कलर चेंज करना है, बट ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट लेयर में नहीं रहता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई पाथ ऑप्शन कुछ भी नहीं है, मोर ऑप्शंस में जाओगे तो भी यहाँ पे कलर चेंज करने का आपके पास ऑप्शन, देखो फील एंड कैरेक्टर है, बट यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज नहीं है जो मैं लेके यहाँ पे अप्लाई कर सकूं। अगर मैं इसको डालू, देखो आपके लिए काम कर जाए, तो ये कर दिया पर कैरेक्टर पैलेट। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑल फील ओवर स्ट्रोक्स, ऑल स्ट्रोक्स ओवर फील, ये जो भी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एक ये चीज मैंने दे दी है। अब एक और सिंपल सा तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके लिए कैसे काम करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसी के ऊपर यहाँ पे चलते हैं हम इफेक्ट के अंदर, जनरेट में जाएंगे और मैं एक फील अलग से अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे इफेक्ट। और हमें बाय डिफॉल्ट शेड कौन सा चाहिए, हमारा व्हाइट टोन चाहिए।
रेड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या चूज कर लूंगा, व्हाइट कलर चूज कर लूंगा, और इसको भी हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। एक्सक्यूज मी, अब वापस चले आते हैं हमारे एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर। अब वो प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे भी देनी है जो हमारा फील इफेक्ट का था, तो यहाँ पे वापस टेक्स्ट लेयर को ओपन करेंगे, नीचे चले जाओ, यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसमें फील के अंदर आपको कलर का ये प्रॉपर्टी दिखता है, उसको भी आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ देना है। तो भाई ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, यहाँ पे मेन टाइटल के अंदर आएगी। अभी मिनिमाइज करोगे तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ से गायब हो जाएगी। तो आप क्या करो, इसको भी मेरे को यहाँ पे इसके अंदर ही डालना है, तो ये भाई सारी चीजें क्या है, इसके अंदर है मेरे पास। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, दूसरा एक ग्रुप जनरेट करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एड फॉर्मेट में जा रहा हूँ और एक और ग्रुप जनरेट कर रहा हूँ, और मैं इसको भी क्या नाम दे दूंगा, सब टाइटल। तो ये मेरा क्या हो गया, सब टाइटल का ग्रुप हो चुका है। अब इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज गाइज हमें डालनी है, तो मैं वापस चलता हूँ, तो आपके लिए रिपीट हो जाएगा कि क्या कर रहा हूं मैं। टेक्स्ट में चलेंगे, यहां से वापस क्या करेंगे, सोर्स टेक्स्ट इसमें डालेंगे, सब टाइटल के अंदर डालेंगे, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद सेम चीज जैसे हमने किया था कि भाई हम चले जाएंगे मोर ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे फील ओवर स्ट्रोक और वगैरह जो भी है वो भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, तो ये भी इसके अंदर आ चुका है। उसके अलावा लास्ट, तो यहां से क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे इस इफेक्ट कॉपी कर लेंगे जो हमारा फ्रीलांसर के अंदर हमने फील इफेक्ट अप्लाई किया, तो इसको यहां से कॉपी करते हैं और सेम चीज इस लेयर के ऊपर क्या कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। चले आते हैं एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर, और यहां से क्या करेंगे, हमारा जो इफेक्ट के अंदर फील का ऑप्शन था उसका कलर प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे दे देंगे, तो ये भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया गाइस। सो हमारे हर एक टाइटल के अंदर क्या हो चुका है, अभी हर एक चीज यहाँ पे आ चुकी है, और आपको उसी हिसाब से क्या करना है, यहाँ पे इसको अप्लाई करना है गाइस। तो देखो दोनों मिनिमाइज करके हमने, तो दोनों के पास अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, आप अलग अलग तरीके से दोनों के शेयर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो हमारा मोग्राट फाइल यहाँ पे या मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट रेडी हो चुका है। अब कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, कि जैसे हमने यहाँ पे हमारे इस फॉन्ट के लिए मास्क अप्लाई किया है, तो अगर मैं मास्क पाथ को यहाँ पे डालना चाहूं तो आपको ये आफ्टर इफेक्ट्स मना कर देगा, प्रॉपर्टी टाइप इज नॉट येट सपोर्टेड फॉर यूज ऑफ एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल, ठीक है ना। मतलब आफ्टर इफेक्ट्स ने अभी तक इसका कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया है कि मास्क की प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे अप्लाई कर सके, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस आएंगे, दिमाग में रखना है आपको। अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्सपोर्ट मोशन ग्राफिक्स में यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपको पूछेगा प्रोजेक्ट मस्ट बी सेव बिफोर, मतलब एक्सपोर्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूं पहले, ये जैसे सेव हो जाएगा तो ये पॉपअप विंडो ओपन करेगा आपके लिए कि आपको ये प्रोजेक्ट कहाँ पे या मोशन ग्राफिक टेम्पलेट कहाँ पे सेव करना है एज अ मोग्रेट फाइल। आप देख रहे हो इसके यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है MOGRT, तो आप चाहो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप जब पहली बार ओपन करोगे तो आपका लिखा हुआ आएगा लोकल टेम्पलेट फोल्डर, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, लोकल ड्राइव में सेव करना है ताकि मैं जब चाहे तब उसको शेयर कर सकूं, या अपने पेन ड्राइव में लेके कहीं और किसी और पीसी में भी मुझे यूज करना है तो मैं उसको यूज कर पाऊं। तो मैंने यहाँ पे उसका ये ऑप्शन चूज करके रखा हुआ है, पूरा आ रहा है कहाँ पे सेव होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपना पार्ट डिफाइन कर सकते हो जहां पे उसको सेव करना है, तो यहाँ पे मैंने की दे दिया और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो ये एक नोटिफिकेशन आएगा वेरीफाई एडोब फॉन्ट्स, क्योंकि जो फॉन्ट हमने यूज किए हैं वो एडोबी फॉन्ट्स नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई करने की कोशिश करेगा, कैंसिल कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ पे भी ओके कर दीजिए। आपका ऑलरेडी ये एक्सपोर्ट हो चुका है मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट या फिर मोग्रेट फाइल। अब हम जब करते प्रीमियर के अंदर और वहां पे देखेंगे कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द प्रीमियर प्रो। सो गाइस अब आ चुके हैं हम प्रीमियर प्रो के अंदर, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो हमने मोग्रेट फाइल रेंडर किया था उसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेके आना होगा, हमारे प्रीमियर प्रो के अंदर इम्पोर्ट करना होगा। बट उसके लिए भी यहाँ पे आपको अपना एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल ओपन करना होगा, तो आप अगेन विंडोज में जाके यहाँ पे अपना एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल पे चेक मार्क दे दो तो वो ओपन हो जाएगा। अब उसको इम्पोर्ट कैसे करेंगे, तो ग्राफिक्स पैनल के अंदर, एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल के अंदर नीचे आपको कुछ ऐसा आइकॉन दिख रहा होगा प्लस वाला, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ये विंडोज का पॉपअप विंडो ओपन कर देगा, और वहां पे जहां आपने अपना मोग्रेट फाइल सेव किया हुआ है, मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट सेव किया है, वहां पे आपको जाना है, और वहां पे जाके मतलब जो भी आपने जहां पे यहाँ पे सेव किया हुआ है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है। सो लेट मी ओपन दिस, और यहाँ पे मेरा फाइल आप देख रहे हो टाइटल सीक्वेंस, ओके ये रहा टाइटल सीक्वेंस एनिमेशन जो हमारा मोग्रेट फाइल है। अगर आप देखो तो उसका एक्सटेंशन क्या दिया है, मोग्रेट दिया हुआ, MOGRT फाइल सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको ओपन कर दोगे। अब ओपन करने के बाद ये यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट है, सर्च करना मुश्किल है,
तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे अगर आपने लोकल टेम्पलेट फोल्डर में चूज किया तो आपको चेक मार्क यहाँ पे करना है, फिर यहाँ पे अपना सर्च टाइटल टाइप करना है। ठीक है, दोनों भी चेक मार्क रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं यहाँ पे खाली टाइप कर रहा हूँ, टाइटल सिक्वेंस था हमारा, और मैं एंटर करता हूं यहाँ पे, तो जैसे मेरा आ गया है टाइटल सिक्वेंस एनिमेशन यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको आपको ड्रैग करके अपनी फुटेज के ऊपर लाके यहाँ पे रख देना, जहां से आपको उसको विजिबिलिटी में लेके आना है। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब थोड़ा टाइम लेगा ये अपने आप को यहाँ पे सेट करने के लिए, प्रॉपरली इंस्टॉल होने के लिए गाइस। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा जो मेन टाइटल सीक्वेंस एनिमे था वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसको कैसे करेंगे हम यूज, तो पहले तो आप इसको अगर जैसे सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका भी यहाँ पे क्या रहता है, हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल पैनल रहता है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ऑल ओवर टाइटल को स्केल अप कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है, उसका पोजिशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा इस तरफ लेके जा रहा हूँ कुछ यहाँ पे, सो दैट्स ईच एंड एवरीथिंग अप टू यू। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका ऑपेसिटी में थोड़ा क्या कर देता हूँ, डाउन कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। ओके, तो दैट्स लुक बेटर। वापस चले आते हैं यहाँ पे इसके ऊपर। अब थोड़ा स्केल ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्केल डाउन भी कर सकते हो, इसको पोजिशन भी आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो गाइस। अब आता है हमारा मेन चीज कि हमने जो वहां पे परमिशन दिए थे उसको हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो जैसे ही आप टेम्पलेट को यहाँ पे ट्रैक कर लेते हो, उसको सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपने ब्राउज किया था, बट जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली जंप हो जाएगा एडिट के अंदर, और आपने जो जो भी चीजें यहाँ पे डाली थी अब वो क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा उसको एडिट करने के लिए। तो अगर आपको फॉन्ट यहाँ पे चेंज करना है तो क्या करोगे, वर्ड चेंज करना है। सपोज तो मेरे को फ्रीलांसर की जगह पे टाइप करना है मेरा नाम, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मौलिक शाह और बाहर चले आओ, तो भाई क्या हो जाएगा, मेरा वो फॉन्ट भी यहाँ पे मतलब वर्ड आ जाएगा। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। कलर चेंज करना है, यहाँ से आप पिक कर लो अपना कलर शेडर, और जो भी शेड अप्लाई करना है वो यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो ये चेंज हो चुका है, तो इसे भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपका फील ओवर स्ट्रोक, अगर आप कुछ अप्लाई करने वाले हो, फील स्ट्रोक दोनों अगर आपने अप्लाई किया होता तो ये वाला चीज काम में आता, ये ऐसे हमारे लिए अभी यूजफुल नहीं है क्योंकि हमने खाली और खाली क्या दिया, फील दिया हुआ है। ठीक है ना, आपने ना फील और स्ट्रोक साथ में नहीं दिया है, बट खाली मैंने आपको दिखाने के लिए इसको ऐड किया था, तो ये भी यहाँ पे आ चुका है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे साइज है, तो मैं यहाँ पे साइज को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। देख रहा हूँ आपको मेरा साइज यहाँ पे चेंज, छोटा या बड़ा हो रहा है, बट ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे कट क्यों रहा है, क्योंकि हमने वहां पे मास्क देके रखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने ये साइज का ऑप्शन दिया था कि अगर आपको लेंथी फॉन्ट टाइप कर रहे हो, लग रहा है आई थिंक जैसे मतलब कह लो कि फ्रीलांसर के बाद आप टाइप कर रहे हो हेलो फ्रीलांसर, तो भाई ये बाहर चला जाएगा, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो, आप इसका साइज छोटा कर सकते हो। इसको अंडू कर देते हैं गाइस हम लोग, तो बाय डिफॉल्ट ये हो गया। तो ये सारी चीजें, प्लस आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज मेरे को ये वाला फॉन्ट चेंज करना है, देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, वापस अंडू कर देते हैं। तो ये सारी परमिशन हमने यहाँ पे दे दी है। सो गाइस, हमारा टाइटल सिक्वेंस एनिमेशन, मूवी टाइटल सिक्वेंस एनिमेशन रेडी हो चुका है। आई होप आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली होगी कि मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट आप अपने खुद के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में कैसे उसको यूज कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो लाइक जरूर कर देना ट्यूटोरियल के ऊपर, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे जाते हुए नए ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें गाइस। और शेयर तो जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी नई नई चीजें सीख पाए, और कमेंट में मेंशन कीजिएगा आपको ट्यूटोरियल कैसे लग रहे हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।